बाकी गोलू भैया को तो जानते हो ना, गोलू भैया ने भेजा था। हाँ वो, हाँ हाँ एक्चुअली वो क्या है, भैया को जानते हैं हमारे को, तो वो कह रहे थे कि एक बार आप मतलब हेल्प कर सकते हो, और मेरी भी बात भी हुई, घर से ही आया हूँ मैं। वो घर वाले कह रहे थे कि एक बार उनको घर पर बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, जब उनका क्या एक बार आपसे टाइम ले लेते हैं, एक बार आप घर पे आ जाओ, परसों घर पे आ जाओ, ठीक है। बाकी मैडम वो देख लो एक बार, उसमें आप बहुत गोलू भैया से बात हुई थी, सुन दो ना एक बार, गोलू भैया से बात हुई थी, गोलू भैया कह रहे हैं कि वो पूरी हेल्प करेंगे, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उस वाला नहीं चुप मैडम, मैं खुद वो बिल्कुल, एक्चुअली मैडम है कैश में, हम पुलिस के पास जा नहीं सकते क्योंकि कैश का मामला है, और हमारे पास कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है भी नहीं। मैं परसों को बोल देता हूँ मामा जी से कि परसों को वो आ रहे हैं। बाकी एक्चुअली इसमें इस वाले केस में है क्या, कैश का मामला है, कैश दिया हुआ मामा जी ने, मामा जी हमारे ऐसे बोल रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं, दो चार चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि उसमें आप दो चार दिन रुक जाओ, मैं आपको भैया को बोलना मेरे से आके बात। हाँ भैया को बोलना मामा दीदी याद कर रही थी, मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है, और बताओ बस जितना करवा दो बस, बाकी तो बाकी हम आधी रात तैयार हैं, आप जब से जब बोलो हर तरीके से। मैं किसी और के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आपको पता है किसी के पास भी जाता हूँ तो पहले वो लोग करते हैं, भैया पहले हमारा खर्च कुछ कर दो, और आपके साथ शुरू से जुड़ना चाहते हैं। छेड़ो महीना अभी आपके पास जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे हर मेहनत से। मैडम बस इतनी हुआ है कि आप एक बार बंद होंगे ना, दो चार आदमी चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा बस। ठीक है।